नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद पहुंचे सुधांशु जी महाराज, 4 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में की प्रेस वार्ता। बृहस्पतिवार को पीली कोठी चौराहा विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में प्रारंभ हुआ 4 दिवसीय सत्संग में कार्यक्रम के पूर्व कांठ रोड स्थित पुष्पांजलि पहुंचे विराट भक्ति सत्संग परम पूज्य सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मुरादाबाद की औद्योगिक विकास और उन्नति की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ मुरादाबाद एक ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट और अपनी बहुत सारी अच्छी स्मृतियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुरादाबाद एक बहुत सारे लोगों की मुराद पूरी करने वाला बन सकेगा, लेकिन आवश्यकता यह है कि इस शहर में मुरादाबाद को नजर नहीं लगेगी चाहिए, यह विकास की राह पर और आगे बढ़ सके। ऐसी मंगल कामना हमारी ओर से मुरादाबाद के लिए है। इस दौरान प्रधान राकेश अग्रवाल, शोभा अग्रवाल की उपस्थिति रही। और इस कथा सत्संग के सुंदर पंडाल में उपस्थित आप सभी धर्म के सज्जन, नववर्ष का और शक्ति पर्व का चैत्र प्रतिपदा से नववर्ष हमारा प्रारंभ होता है, उसका यह पुनीत अवसर है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, दिलों में प्रेम रहे, घरों में खुशहाली हो। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसके लिए जीवन बनाया है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु जी, सबसे पहले मुरादाबाद आगमन हुआ है और बहुत लंबे अंतराल के बाद में मुरादाबाद आगमन हुआ है, स्वागत भी किया सभी के द्वारा। कैसा लगा मुरादाबाद और क्योंकि मुरादाबाद से आपका लगातार जो सामंजस्य है वो बना रहा? मुरादाबाद की जो औद्योगिक विकास और उन्नति की स्थिति देखने को मिल रही है, दिखाई देता है कि विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया भर में
अपने प्रोडक्ट्स और अपनी बहुत सारी अच्छी स्मृतियां दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुरादाबाद एक बहुत सारे लोगों की मुराद पूरी करने वाला बन सकेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस शहर को नज़र नहीं लगनी चाहिए, ये विकास की राह पर और आगे बढ़े। और यहाँ जब हम देखते हैं कि औद्योगिक इकाइयाँ विकास की तरफ बढ़ेंगी, उसी के साथ में बहुत सारे पेट, बहुत सारे घर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आँखें साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो एक विकास का मार्ग और ज़्यादा खुलता है। तो उसके लिए हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग इस नगर को और अधिक सुशोभित कर सकें। तो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रेम प्यार की नगरी रही है तो उसमें कोई हमारी मुस्कराहट को नज़र लगाना चाहे, छेड़ना चाहे, तो उसके लिए हमें सावधान होना पड़ेगा कि हर चेहरा मुस्कराता हुआ नज़र आए, हर घर में प्रेम और सुख शांति हो, ऐसी मंगल कामना मुरादाबाद के लिए करता हूँ। 3 दिवसीय कार्यक्रम है मुरादाबाद में आपका रहेगा, क्या भावना है और क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और विशेष रूप से गीता, उनको आधार बना करके जीवन शैली को और बेहतर करते हुए हम अपने जीवन को आनंदित कर सकें और ज़्यादा प्रफुल्लित तो होकर प्रेमपूर्ण होकर के जी सकें, अपने रिश्तों को हम जो है थोड़ी उदारता से और बर्दाश्त करके निभा सकें, और अपने भाईचारे को हम लोग और अधिक सुदृढ़ कर सकें, इस बात के लिए हमारी ज़्यादा कोशिश रहेगी। गुरु जी, एक सवाल मेरा यह है, अपना धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस, उसको लेकर अब जो है राजनीति हो रही है, जैसे स्वामी प्रसाद महोदय ने विवाद करा है चौपाइयों के और अन्य भी हैं, क्या लगता है राजनीति में ऐसे धर्म ग्रंथ को लाना? देखिए, वो राजनीतिक लोग जो है अपने ढंग से अपनी चीज़ें करते हैं, लेकिन राजनीतिक मंच अलग है और जो जनमानस है उसमें तो मानस भी है और उसमें तो जो है मानवता भी है, वो तो रहेगी, उसको कोई नहीं हिला सकता। चौपाइयाँ हटाने तक की बात हुई है, देखिए कोई किसी के चौपाये को परेशान करे या चौपाइयों के बारे में बोले या चारपाई को हिलाने की कोशिश करे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये देश है ये धर्म संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ देश है, ये तो हमेशा इसी तरह से समृद्ध रहेगा। यहाँ किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी से कभी भी कुछ नहीं होता, कभी कभी कोई बड़ी कोशिश भी करे एक कंकर फेंक करके इस समुद्र को हिलाने की, समुद्र तो अपने आप में बहुत गहरा है और हिंदू समाज एक विशाल उदारता को लेकर के जीता है, तो हिंदू समाज जो है सबका सम्मान करता है। लेकिन राजनीति के कारण कोई अगर कुछ भी बयान देता है, उसका उत्तर देने वाले तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। गुरु जी, क्या अगर संस्कृति लगातार, आपको लगता है कि क्या समाज में जो संस्कृति है हिंदू समाज की, क्या उसमें गिरावट आ रही है या बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, एक होती है प्रकृति, जिसको हम कहेंगे खुद खा लेना प्रकृति है, छीन के खाना विकृति है। अपना हिस्सा देकर भी दूसरे का पेट भर के और उसको मुस्कराहट देकर खुश हो जाना, यही संस्कृति है, और ये संस्कृति जब बढ़ेगी तो मानवता बढ़ेगी, इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद सर, थैंक यू।